सौख्य अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सूबे में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। अंजनी, जिस रफ्तार के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और जो अभी के आंकड़े नजर आ रहे, टेस्टिंग ज्यादा है, उस हिसाब से अगर देखें, गौर करें तो आंकड़े थोड़ा संभले हैं, तो क्या इस मिनी लॉकडाउन की जगह संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत महसूस कर रहा है सूबा, ताकि आंकड़ों पर पूरी तरह से ब्रेक लग सके, इस चेन को हम तोड़ सके? देखिए, झारखंड की जो तस्वीर है या फिर पूरे भारत की जो तस्वीर बन रही है, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पूरे भारत में बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े जो तमाम लोग हैं, उनकी भी यही राय है कि जो पूर्ण लॉकडाउन जो है, पूरे नियमानुसार जो है सुविधा देते हुए एक बार मतलब पूरे भारत में होना चाहिए। और ये देखिए, कोविड का जो राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन है जो काम कर रहा है, उसने भी सरकार को एडवाइस दिया है कि एक पूर्ण लॉकडाउन होना जरूरी इसलिए है कि अभी जिस तरह से रफ्तार बढ़ी है पूरे भारतीय देश के स्तर पर, तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं पूर्ण लॉकडाउन की मांग बढ़ी है। और ये कोई आम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये जो इस क्षेत्र से जुड़े जो तमाम जो संगठन हैं, राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, उनका कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आसिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है पूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर सकती है, लेकिन पूरे देश में अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन कुछ अलग तरीके से लगाया गया है। कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के का नाम दिया गया है, कहीं मिनी लॉकडाउन है, लेकिन उससे बहुत तस्वीर बदल नहीं रही है अन्य राज्यों में भी। भले झारखंड में थोड़ी सी बदली है, थोड़ी सी हम कह सकते हैं, तो हमें लगता है कि जिस तरह से झारखंड में 6 तारीख तक जो है सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, मिनी लॉकडाउन रहेगा, तो अब सरकार को केंद्र सरकार का क्या फैसला आ जाता है, क्योंकि आज ऐसी संभावना भी व्यक्त की गई है कि आज प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट की और अन्य लोगों की बैठक होगी, तो हो सकता है फैसला आए। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत होती है नहीं होती है, उसके बाद कोई फैसला आएगा। लेकिन झारखंड में भी जो है ये भी कहा जा रहा है कि पूर्ण तरह से यदि लॉकडाउन होगा तो तस्वीर थोड़ी और बदलेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि कोरोना का चेन को ब्रेक करने के लिए एक पूर्ण लॉकडाउन जो है की मांग लगातार हो रही है, तो हमें लगता है कि राज्य सरकार भी इसको लेकर इस पे गंभीर रूप से सोचेगी। लेकिन ये भी एक बात है आसिया, पूर्ण लॉकडाउन पूरे भारत में हो, लेकिन उसके पहले सरकार को एक व्यापक तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रतिदिन खाने कमाने वाले जो लोग हैं वो फिर 15 दिन भोजन कैसे करेंगे, इसके लिए सरकार राज्य सरकार को अलग से तैयारी करनी होगी। जिस तरह से 2020 का जो लॉकडाउन था, दीदी किचन चला था, कई सामाजिक संगठन के हाथ आगे बढ़े थे और लोगों को भोजन दिया जा रहा था, तो वैसे में यदि राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री यदि घोषणा करते हैं कि पूरे भारत में लॉकडाउन होगा, तो फिर केंद्र सरकार राज्यों को जो है कई तरह की अलग से सहायता भी देती है, ऐसा प्रावधान है। लेकिन यदि राज्य सरकार यदि पूर्ण रूप से लॉकडाउन करती है, तो फिर ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वैसे लोगों के लिए भी जो खाने की जो व्यवस्था है वो करनी होगी, क्योंकि 15 दिन यदि जो प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग हैं यदि वो नहीं कमाएंगे तो फिर खाना क्या खाएंगे, तो ये तस्वीर जरूर है। लेकिन झारखंड में भी देखिए, अभी लगभग जो पॉजिटिव केस की जो संख्या है वो भी काफ़ी है, रांची में लगभग 19,000 का आंकड़ा जो है पॉजिटिव केस अभी स्टिल झारखंड रांची में भी है, तो हम कह सकते हैं कि मौत का आंकड़ा भी जो है जिस तरह से बढ़ा है, भले पहले की तुलना में कमी आई है, तो हमें लगता है कि पूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत है। लेकिन अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार का किस तरह से प्रधानमंत्री का क्या निर्णय होता है, उसके बाद ही तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय के बाद ही तमाम चीज़ें तय होंगी। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा था
ये अंतिम विकल्प हो सकता है। पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में लोग नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा, तो हमें लगता है कि पूर्ण लॉकडाउन के पहले राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्हें अपने तरीके से, अलग तरीके से बेहतर तैयारी करनी होगी। पूर्ण लॉकडाउन होगा तो वैक्सीनेशन कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पूर्ण लॉकडाउन होगा तो गरीबों को खाना कैसे मिलेगा, कैसे व्यवस्था होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। यदि पूर्ण लॉकडाउन होगा तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कैसे क्या करेंगे, क्या पास दिक्कत होगा, तो ये तमाम कई सवाल हैं। पूर्ण लॉकडाउन अपने आप में लगता है कि हम चेन को ब्रेक करेंगे, लेकिन चेन को ब्रेक करने के लिए उसके साथ जो अलग अलग तरह की जो सुविधाएं हैं वो सरकार को मुहैया करानी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में जो निजी हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम जगहों पे ये खबरें भी आ रही हैं कि पूर्ण तरह से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। कई लोगों को अभी भी परेशानी है, क्योंकि जब मरीज जब हॉस्पिटल के पास पहुंचता है तो उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं मिलने से परेशानी बढ़ जाती है। पूर्ण लॉकडाउन भले चेन को ब्रेक किया करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को एक मुकम्मल तैयारी करनी होगी, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन इसमें पूर्ण लॉकडाउन में कोई यदि मारा जाता है तो प्रतिदिन खाने कमाने वाला जो तिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, इसकी जिंदगी कैसे चलेगी, ये तमाम तरह की तैयारी जो है करनी पड़ेगी, तब हो सकता है ये पूर्ण लॉकडाउन।